इस समय मैं जो हूँ मुलुंड के 108 वार्ड में हूँ और यह जो है इलाका कौन सा इलाका है, अमरनगर में, ये गोरखाचाल अमरनगर गोरखाचाल में हूँ। यहाँ की जो समस्या, इसके पहले भी हमने बताया था, पानी के लेके बहुत सारी समस्या है, जो कि पानी का प्रेशर नहीं आता यहाँ पे। मेरी न्यूज़ के बाद जो है कुछ इनको राहत मिली थी, लेकिन फिर से जो है कंटिन्यू जो है इनकी जो समस्या है वैसे की जैसे थी वैसी हो गई है। लेकिन इन समस्याओं के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि इस समय हम एक शौचालय के यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे जो है लाइट तक नहीं है, क्योंकि हम मोबाइल के लाइट के उजाले से हम वीडियो बना रहे हैं। और इस समय मैं बता दूँ आपको, घड़ी में जो है मेरे 8 बजने जा रहा है, 8 बजे रात को जो है मैं यहाँ पे हूँ, और लेकिन यहाँ पे कोई भी उजाला नहीं है। अब आप समझिए यहाँ की महिलाएं, यहाँ के जेंट्स लोग बाथरूम में कैसे जाएंगे। यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे सोलर लाइट लगी हुई है, यहाँ तक कि यह लाइट बंद है, सोलर लाइट है और जो कि बंद है, ये वर्क नहीं कर रहा है, इसको रिपेयरिंग करने तक का काम नहीं किया गया। और ये तो छोड़िए, यहाँ तक कि शौचालय के अंदर भी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो यहाँ के नागरिक अपने जीवन को किस हिसाब से व्यतीत कर रहे हैं, जी रहे हैं, और इस आधुनिक युग में जी रहे हैं, आप समझिए। जो कि यहाँ पे जो है नगर सेवक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं इनकी सेवा के लिए, इसके अलावा टी वार्ड है, बीएमसी है, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, उसके बावजूद भी लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसके पीछे क्या कारण है हम जानेंगे। मौसी, आप यहाँ की साफ़ सफाई करते हो? हाँ, मैं साफ सफाई करते, 12 वर्ष झाले मी साफ सफाई करते। एक टॉयलेट तुटले, पाण्याची व्यवस्था नाही, लाईट नाही, कसे लहान लहान मुलं कसे येतात, कसं काय करणार आम्ही लोक, पाण्याची सुविधा नाही आहे। एवढा दरवाजे वरवाजे और टाइल्स विल्स और यहाँ की स्थिति क्या, अंदर की स्थिति क्या, पोजिशन क्या अंदर का? अंदर का एक तुटा है, बाथरूम पूरा तुटा है, सकाळ सकाळी पब्लिक लोकांचे हाल होतात, काय करणार, चारच आहे ते अवघे बराबर। अच्छा, ये आपको जबाबदारी किसने दिया साफ सफाई करने का? ये अपना मस्के साहब ने दिया। मस्के साहब ने दिया? हाँ। और अभी आप तब से आप कंटिन्यू साफ सफाई करते? तो नहीं, मैं मिस करते ही तो। अच्छा, और यहाँ के अभी नगर सेवक कौन थे फिलहाल? हाँ। इसके पहले ये था ना, मस्के ही था ना नगर सेवक, मस्के ही था। हाँ हाँ, जब आपको दिए थे, लेकिन अभी फिलहाल कौन, इसके उनके बाद कौन आए? इसके बाद ये आपने किरीट सोमय का है, ये अच्छा नील सोमैया, नील सोमैया है। किसी बघायला आला नाही की काय झाले काय नाही, दोन वेळा पण मी तिथे गेले, अर्ज दिला तरी पण त्याने मनाव घेतलं नाही, आओ इकडे चक्कर मारा कसं झाले काय नाही, तुम्ही तर कधी चक्कर मारत नाही काय नाही, आणि नुसतंच आपलं त्यांनी आपली खुर्ची धरले बस। आप नील सोमैया से मिले हो? हाँ मिले, कितना दप्पा मिले। उन्होंने क्या कहा इसके बारे में जब आपने समस्या बताई? आता है करके बोलता था, फिर मैं अपना खासदार के पास गई, फिर बोला कि चलो मौसी 20 तारीख के बाद हम लोग देखते हैं, ये इलेक्शन होने दो। जैसे कि इन्होंने बताया कि इन्होंने यहाँ के जो भी नगर सेवक हैं उनसे उन्होंने बात की, लेकिन समस्याएं हल नहीं हुआ। और यहाँ के नागरिकों से हम बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हैं मैडम, आप लोग के शौचालय क्या स्थिति है? उसकी भी खराब है, जेंट्स भी खिड़की नहीं है, उसमें जाना बंदर बिल्ली सब उड़ी मारते हैं अंदर, लाइट ना होने की वजह से सब नशेड़ी गजेड़ी सब यहाँ आसपास बैठे रहते हैं, लेडीज लोग को तो बहुत दिक्कत है। और मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे जो है नया काम कभी कब हुआ था आपको याद है, इस नया काम के बारे में? 4 साल पहले। नया काम कब हुआ था आपको पता है? 4 साल पहले। उसके बाद से आप नीचे लादी की व्यवस्था देख लीजिए कि कितनी सुंदर है, आप नीचे एक बार कैमरा दिखाइए, ये देखिए आपके पैर के पीछे देखिए, यहाँ पे भी टूटे फूटे देखे हमारे इधर लेटेस्ट में लादी का काम किए, बट वो आधा आधा काम किए, आधी जगह से टाइल्स ये लादी के पूरे निकलते जा रहे हैं, जो सीमेंट लगाए हुए ना वो पूरा सब निकलता जा रहा है, आधा अधूरा काम करके गए, वो बोलते हैं हमारे पास फंड नहीं है, ऐसा हमको रीज़न देते हैं। जैसे कि बता रहे हैं कि बताया जाता है कि इनके पास फंड नहीं है, लेकिन हम इसकी भी पता करेंगे, क्योंकि सारे जो है फंड जो है इनके जो है इनकी सेवाओं के लिए जो आता है, 108 वार्ड में आया तो गया कहाँ, और हम अंदर की हम आपको स्थिति दिखाएंगे। जैसे इन्होंने बताया, हम आपको बता दें कि वह जो इन्होंने बताया वो सच है या झूठ है, या आपको हम दिखा भी देते हैं। देखिए ये सारे रास्ते टूटे फूटे हैं, इस रास्ते से हम जा रहे हैं, और अंदर उजाला नहीं है, लेकिन हम मोबाइल के उजाले से जो है आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इस समय देखिए, इस समय हम आके आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे सिचुएशंस क्या है, ये देखिए, ये मैं कहूँगा इस शौचालय को दिखाएं, यहाँ पे ये शौचालय है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई उजाला नहीं है, बोर्ड तक नहीं है, आप देख पा रहे हैं,
और यहाँ पे एक भी बल्ब नहीं है। जब ये आप समझेंगे बोर्ड नहीं है तो बल्ब कहाँ से लगेगा। और ये देखिए पतरे तक टूटे हुए हैं, वहाँ पे देखिए पतरा टूटा, वहाँ पे भी दिखाइए, ये सब देखिए बरसात में सारा पानी जो है अंदर आता है, आदमी कहाँ खड़ा होगा, कहाँ बैठेगा। ये देखिए ये शौचालय है, ये टोटल कितना दरवाजा है, दो दो चार छः सात आठ आठ है। और ये दिखाइए, इधर दिखाइए आप, जो थोड़ा साफ़ सफाई का मौसी जो है ध्यान देती है साफ़ सफाई का, लेकिन हमें देखिए ये देखिए सारे पाइप जो है टूटे हुए पानी के, बारिश के समय में सारे, ये देखिए ये भी देखो ये जो बंद है, देखिए वो टूटा हुआ पूरा टूटा हुआ है वो, जिस हिसाब से यहाँ की स्थिति है देखिए, ये जो दरवाजे के ये सब निकल चुके हैं, टूट चुके हैं, इन सब सारे कामों को करने की ज़रूरत है। लेकिन साफ़ सफाई को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर हम देख रहे हैं, लेकिन नल की सुविधा पानी की सुविधा कुछ नहीं है, देखिए टोटी तक यहाँ पर नहीं है, तीन चीज़ों को एडजस्ट, फैन नहीं है, बल्ब नहीं है, ये बहुत सारी कमियां यहाँ पे हैं। यहाँ पे हाथ धोने के लिए पानी की सुविधा नहीं है क्योंकि इस इलाके में पानी ही नहीं आ रहा है, लेकिन पानी नहीं आ रहा वो अलग मैटर है, यहाँ पे सुविधा ही नहीं की गई है इन चीज़ों की। तो आदमियों को जो है यहाँ पे नागरिक जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको ऐसी कोई भी सुविधाएँ नहीं दी गई है, क्योंकि इन सारी चीज़ों का फंड जो है निकल के आता है, इन सारी सुविधाओं का फंड निकल के आता है, लेकिन वो फंड जाता कहाँ है, ना तो यहाँ पे लाइट है, ना तो रिपेयरिंग किया गया, पतरे टूटे हुए हैं, ना तो एडजस्ट फैन है, और यहाँ पे और मैं तो क्या चीज़ चीटा वगैरह भी आता है यहाँ, और यहाँ पे जो है ये एक चीज़ और है, यहाँ पे बाउंड्रीज बनी हुई है लेकिन यहाँ पे कोई इसी टाइप का तार टाइप नहीं लगाया गया, डायरेक्ट कोई जानवर जो है, ये जंगल है मैं बता दूँ आपको, यह फॉरेस्ट का विभाग का है, इधर जो है जानवर भी आते हैं, लोग कहते हैं कुछ किस टाइप के जानवर आते हैं, चीटा वगैरह आते हैं सर, जैसे चीता होता भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो कम से कम यहाँ पे एक तार बांधना चाहिए, यहाँ से उस लास्ट तक जो है तार की रिंग बनाना चाहिए, ताकि वैसे जानवर जो है इस तरफ ना आ सके, क्योंकि रात में कभी भी कोई भी व्यक्ति शौचालय के लिए आ सकता है। और यह शौचालय का परिसर मैं आपको दिखा दूँ, अगल बगल सारे रास्ते जो है टूटे हुए हैं, आप देखिए ये झाड़ तक उग चुकी है, और यहाँ पर आप देखिए यह बता दूँ ये सारे जो है यहाँ पे कच्चे काम, इस मिट्टियाँ पड़ी हुई हैं, कोई भी साफ़ सफाई का ध्यान नहीं दिया गया है इस परिसर को देख के। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है लाइट की व्यवस्था नहीं है, सोलर लाइट का रिपेयर तक नहीं किया गया है, और इन इलाकों में रास्ते के जो भी फंड आए हुए हैं, इन इलाकों में अगर आप घूमेंगे, अगर मैं दिन में दिखाऊँगा मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ के रास्ते भी टूटे फूटे हुए हैं, यहाँ लादी का भी काम नहीं किया गया है, लेकिन यह फंड निकल गए होंगे मेरे समझ से, यह फंड जो है कार्य का निकल गया होगा, क्योंकि इलेक्शन के पहले जो है सारे कार्य किए गए थे हर एक वार्ड में, तो इस वार्ड में भी काम हुआ होगा, लेकिन यह फंड जो है गया कहाँ जब काम ही नहीं हुआ जमीनी स्तर पे। हम दिखाएंगे यहाँ के और काम, और भी कुछ समस्याएं हैं यहाँ पे। एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो हमारी सरकार है हमेशा वोटिंग के पहले जो घूमते फिरते वोटिंग मांगते वोट देना, जो सरकार को हमने वोट देके जिताया गया है, उन्होंने हमको कुछ पानी का सुविधा नहीं किया, बाथरूम का सुविधा नहीं किया, यहाँ पे लाइट नहीं, यहाँ पे रात को चीता आता है, जो बाथरूम आपने दिखाया यहाँ पे कम से कम सुबह सुबह दिन में कम से कम लंबा लाइन लगता है यहाँ तक, तो वो इंसान जाएगा कहाँ। अच्छा कितने ये तो सात शौचालय है टोटल, मैंने देख छः वर्किंग है टोटल, सात है, छः में से एक वर्किंग है, ये विदाउट वर्किंग है, पाँच खाली सीधा है जिसमें जा सके। कितनी पब्लिक आती है यहाँ पे? यहाँ पे सुबह सुबह कम से कम 50 पब्लिक आपको दिखेंगे लाइन में, तो कंटिन्यू 50 लोग खड़े ही रहते हैं? 50 तो कंटिन्यू नहीं, सुबह के टाइम पे जब इंसान को प्रेशर होता है काम पे जाना रहता है, तो वो टाइम पे वो इंसान को भारी पड़ता है कि कैसे जाए, मतलब एक दरवाजे पे 10 लोग 10 लोग 5 से लेकर 8 बजे तक अलग गर्दे रहते हैं। तो क्या संख्या भी बढ़ाने की बात होनी चाहिए जिससे माला टाइप बना दे इस पे? ऐसा होना चाहिए सर, लेकिन जो सरकार को हमने जीता है वो सरकार हमें लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं चाहिए ये बताइए। जो उसे आपको और क्या साफ सफाई करने के लिए कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? ये घर का 60 रुपये मिलता है मेरे को। नहीं नहीं, ये तो पैसे 60 रुपये आप हर घर से लेते हो, वहाँ सरकार की तरफ से या कुछ ऐसा आपको मिलता है? कुछ भी नहीं। BMC की तरफ से कुछ ब्लीचिंग पाउडर ये सब कुछ माने? कुछ भी नहीं, अपना एक मेरा ही खर्चा सब करता है, वो पीछे भी कचरा निकालता है ना, मेरा ही कचरे से मेरा मेहनत से निकालता है, इतना बड़ा बड़ा ब्यागा बीघा सब डाल देते नीचे से कोई भी। अच्छा कोई टीवार्ड का ऑफिसर आपके संपर्क में रहता है या बातचीत करता है पूछता है कुछ भी टीवार्ड का कोई भी व्यक्ति? कोई भी नहीं पूछता है, कोई भी अभी तक कभी पूछा नहीं। किसी प्रकार का पैसे से मदद या सरकारी फंड या सामान से मदद किया हो? कुछ भी नहीं। सिर्फ आप जो है लोगों घरों से कलेक्शन करते हैं? कलेक्शन करता है, उसके ऊपर ही चलता है सब। सरकार से ये कम से पूरा हमको जो भी है सुविधा हमको पूरा दे। यहाँ पे मारा मारी होता है कभी पानी के लिए, घर घर में मारा मारी होता है, यहाँ पे हो चुका है।
जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है पानी की समस्या है, यहाँ पे शौचालय की समस्या है, यहाँ पे जो है लाइट की समस्या है, रास्तों की समस्या है, ऐसी समस्या जो है हम वार्ड नंबर 108 में यहाँ पे कार्य करने की ज़रूरत है, जो कि इलेक्शन हो चुका है, उसके पहले कार्य भी हो चुके हैं हर एक वार्ड में, लेकिन इस वार्ड में विकास क्यों नहीं हुआ, इस वार्ड में विकास क्यों नहीं हुआ, इस वार्ड में विकास कहाँ रह गया। ये आप लोग की शौचालय की क्या दिक्कतें हैं, कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पे? पानी नहीं है इधर। अच्छा, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट है? नहीं, लाइट भी नहीं है। एडजस्ट फैन है? नहीं, कुछ भी नहीं। दरवाजे कड़ी? अंदर से कड़ी भी नहीं है, दरवाजे भी टूटा टूटा है सब। जैसे कि ये महिला हैं, इनके शौचालय में हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं यहाँ की सुविधा। वो लोग ने नल बाथरूम बनाया और ऐसा ही नल लगा के दिया, ऐसा ही फिटिंग कर दिया वायर का, और कुछ भी नहीं चालू किया, खाली दिखाने के लिए वो लोग को उधर। सिर्फ टोटी लगा दिया लेकिन कनेक्शन पानी का नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं, और इसका लाइट का भी। अच्छा, कहीं यहाँ पे ड्रम मतलब बोलते टंकियों की बड़ी सी कुछ रखा हुआ है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप ये समझिए कि यहाँ पे जो है सिर्फ टंकी मतलब वो टोटी लगा दी गई लेकिन उसमें पानी का कनेक्शन नहीं किया गया। यहाँ तक कि सर सवेरे जैसे आदमी को 5-6 बजे जो बाथरूम लगता है तो यही डर सता था कि चीता नहीं बैठा रहे, यही डर के वजह से आदमी बाथरूम को भी नहीं आ पाते। अब पानी का 3 महीने से ये लपड़ा चल रहा है, पानी हमारे को मिल रहा ही नहीं एक बूंद भी। जैसे कि यहाँ की समस्या है आप लोगों से जाने, और इसके पहले भी हमने वीडियो बनाया है, वो भी मेरे चैनल पे आप जाके देखिए, यहाँ की समस्याएं जो थी पानी को लेके वो भी हमने दिखाया हुआ है, और भी इस वार्ड की समस्याओं को हम दिखाते रहेंगे हमारे चैनल पे, और इसके अलावा बाकी भी चैनल के वार्ड को हम दिखाएंगे। ये लादी लगाए ना, सीमेंट लगाया, कुछ भी नहीं। कितना समय पहले काम हुआ है? अभी हो गया, दो तीन महीने हो गए। नया काम हुआ है या फिर नया हुआ है अभी का? अच्छा, ये सीमेंट सब निकल गए? ये देखिए, ये नया काम हुआ है बता रहे हैं इस इलाके में थोड़ा सा, लेकिन ये सारे चीजें निकल चुकी है। ये है देखिए, ये है साफ सफाई, और ये स्थिति है क्योंकि यहाँ पे जो है चीता, यहाँ पे जो है जंगल है मैं बता दूं, और ये जंगल के जस्ट सटा हुआ भाग ये है बाउंड्री से, यहाँ पे किसी भी प्रकार के तारों को बांधने का काम नहीं किया गया है, आसानी से कोई भी जानवर इस तरफ आ जाता है, यह डर इन लोगों के अंदर हमेशा बना रहता है, जिसकी वजह से लोग रात में अगर अकेला आना चाहें बाथरूम शौचालय के लिए, अकेले का 2-3 आदमी भी आना चाहें तो उनको डर लगता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? एकदम सही बोल रहे हैं। क्या इसके पहले कितना दिन पहले यहाँ पे कोई जानवर आया था ऐसा? कितना बार आता है सर? ये बाथरूम के जस्ट बाजू में भी चीता आके बैठा था रात को 3 बजे, हम लोग खुद देखा वो चीते को, इसके लिए हम लोग वहाँ से भाग गया। जैसे कि इन्होंने बताया कि हर चीज़ों की यहाँ पे समस्या है, इन चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ के जनप्रतिनिधि को ध्यान देने की जरूरत है, टीवाट को ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ एक छोटा सा प्रयास करते हुए मैं जय पांडे, PGN से, जय हिंद।